नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। याद होगा आपको, लगातार जो हम आपको खबरें दे रहे हैं जदयू भाजपा के बीच में, उसमें ये बातें स्पष्ट तौर पर आपसे कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह जो हैं उनको जिम्मेवारियां दी गई थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन उन जिम्मेवारियों को आरसीपी सिंह सही ढंग से निभा नहीं पाए, ये बात हम नहीं ललन सिंह खुद सत्यापित कर चुके हैं, हम क्या बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं था, शुरुआती दौर में जब आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई थी तो उसका कारण था, उसका कारण यह था कि भाजपा के साथ रिश्ते जितने अच्छे इनके थे आरसीपी सिंह के, उतने अच्छे किसी के नहीं थे। जितने भी नेता अब तक जदयू में हैं, चाहे किसी त्यागी हो, उपेन कुशवाहा हो, ललन सिंह हो, इन सभी का कुछ ना कुछ खुटखाट हो चुका है भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भाजपा और जदयू का जब बिहार में सरकार साथ चलानी है तो बाकी जगहों पर एक दूसरे से क्यों लड़ाई कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, या फिर अब नया विवाद शुरू हो गया है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है उसको लेकर। अब सीटों का समीकरण तो नहीं बन पाया, लेकिन क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, आखिर किस आधार पर ललन सिंह ये बात कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी सीटों का समीकरण बना लेंगे, किसी त्यागी किस आधार पर कह रहे थे कि 300% हम गठबंधन करना चाहते हैं, और आरसीपी सिंह को क्यों फंसा दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए, आरसीपी सिंह के साथ रिश्ते जिस तरीके से भाजपा के हैं उसको समझते हुए, ये बात जानते हुए कि अगर सीट आती है तो ठीक, नहीं आती है तो ऐसे भी आरसीपी सिंह को शहीद करने का एक मौका मिल जाएगा। भाजपा ने बहुत जो पार्टी है उसने बहुत स्मार्टली आरसीपी सिंह को आगे किया, आरसीपी सिंह भी इस बात को भाप गए, आरसीपी सिंह भी अब जदयू के कम और भाजपा के ज़्यादा हो गए हैं। उनके रिसेंट बयानों को अगर आप देखते हैं, विशेष राज्य के दर्जे में उड़ीसा को जोड़ देना, या फिर जो भाजपा का रंग रोगन है बिहार में उसी आधार पर उनका भी चलना, ये स्थापित करता है। और तो अब तो उन्होंने खुलकर भी कह दिया, उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण में अनाउंस हुआ कि कौन स्टार प्रचारक जाएंगे प्रचार करने, तो उस लिस्ट में से नीतीश कुमार के साथ साथ आरसीपी सिंह को भी जेल से बाहर कर दिया गया। तो आरसीपी सिंह का दर्द छलका, आखिर बिहार में एक मुश्त अपने हाथ में चलाया है उन्होंने जदयू को, और उस ताकत को जो महसूस वो कर रहे थे उसे एक बैग छीन लिया ललन सिंह ने, और उनके लोगों की छुट्टी अब पार्टी से कर रहे हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह का जो लेगेसी है बिहार में जदयू का, वो समाप्त हो रहा है। तो आरसीपी सिंह को हालांकि इधर घाटा जो हुआ वो उधर कंपनसेट कर लिए हैं, नरेंद्र मोदी के टॉप 10 जो मंत्रियों में उनका स्थान हो गया है, वन कॉल डिस्टेंस पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गए हैं, बहुत सारे फायदे हैं। बिहार में एक बैकअप प्लान भी भाजपा का है उनको लेकर आगे चल के, नीतीश से अलग जब होंगे तो। लेकिन उन सब के बीच कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का जो दर्द है वो छलका था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिन लोगों की लिस्ट में नाम दी गई है उन लोगों को कौन पहचानता है, और इन लोगों का उत्तर प्रदेश में क्या रोल हो सकता है। इस बात को काटने के लिए नीतीश कुमार का नाम चौथे चरण के प्रत्याशियों, जो प्रत्याशी माफ कीजिएगा, जो प्रचारकों की लिस्ट है उसमें डाली गई। अब जब उनका नाम डाल दिया गया तो बहुत स्मार्टली ललन सिंह ने, ये तो बासी खबर आपको हम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद और खबर इंटरेस्टिंग है, ये खुलासा है। इसके बाद वाले नाम को जो डाला गया वो ललन सिंह के जस्ट नीचे डाल दिया गया आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जिन चौथे चरण के सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें लौकुश जनसंख्या ज़्यादा है, और उसमें सीमावर्ती इलाके बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा हैं। तो नीतीश कुमार के लिए तो आइडियल सिचुएशन है, उतरेंगे, अपने लोगों के बीच आएंगे, भीड़ जुटाएंगे, हो सकता है वोट भी ज़्यादा लेकर आए, जीते हारे नहीं लेकिन नीतीश कुमार की इज्जत बचेगी, ये तय लग रहा है। लेकिन इन सब में फंस कौन गया? आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को ललन सिंह ने ऐसे सिचुएशन में पहले फंसाया कि सीट का समीकरण नहीं बन पाए और पूरा का पूरा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाए, पार्टी को अंधेरे में रखे, नीतीश कुमार को बाईपास किए, सब इल्जाम उन पर लग गया, और दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन तक नहीं करा पाए दो-तीन सीट का। तो मतलब आरसीपी सिंह बेकार है इस हिसाब से ललन सिंह कह रहे हैं। अब ललन सिंह ने उसको नेक्स्ट लेवल लेके चले गए हैं। जब इन्होंने कह दिया कि ललन सिंह के लिस्ट में को कौन पहचानता है और इन लोगों को उत्तर प्रदेश में कौन भाव देगा, तो आरसीपी सिंह का इसमें नाम डालकर भाजपा और योगी के सामने उतार दिया कि अब आप उतरिए, चुनाव प्रचार कीजिए, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल अब आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप योगी के खिलाफ वोट मांगिए, भाजपा के खिलाफ वोट मांगिए, और तब आपसे भाजपा हिसाब किताब लेगी कि आप उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में वोट ज़्यादा है लौकुश का, जो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है भाजपा को, और अगर कहीं इक्का दुक्का वोटों की वजह से या इक्का दुक्का सीटों की वजह से सरकार बनते बनते रह गई, तब तो सारा का सारा ठीकरा फूटना तय है। नीतीश कुमार को तो क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने दावा किया कि हम उत्तर प्रदेश में आकर काम बिगाड़ सकते हैं, और बिगाड़ा भी, लेकिन आरसीपी सिंह को क्या मिलेगा सजा? आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं इस बात को, हालांकि भाजपा भी इस बात को समझ रही है कि ललन सिंह बहुत स्मार्टली चेस की तरह खेल रहे हैं,
प्यादों को आगे कर रहे हैं, एक वजीर को आगे कर रहे हैं, फिर एक एक कहीं ना कहीं उठाकर छोटा प्यादा सामने कर दे रहे हैं ताकि वो शहीद हो जाए, और वही छोटा प्यादा अब आरसीपी सिंह बन गए हैं, और राजा को बहुत स्मार्टली उन्होंने पीछे रख कर बचा लिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है। भाजपा भी इस सबको देख रही है, भाजपा भी समझ रही है, और आखिर आरसीपी सिंह पर कहीं ना कहीं अंततः ये यहाँ भी एक तलवार लटक गई कि अब आरसीपी सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि आरसीपी सिंह जाएंगे तो भाजपा से रिश्ते खराब, और नहीं जाएंगे तो पार्टी से तो छुट्टी हो ही जाएगी, क्योंकि जुलाई में फिर राज्यसभा आपको जाना है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तो मांगेंगे कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिखाइए, या सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं। और एक और बात बताते हैं, जो लिस्ट आप देख रहे हैं चौथा चरण का, देखिए इस लिस्ट को, इसमें सारे वही लोग हैं जो नीतीश कुमार के अभी सबसे करीबी में से हैं। अशोक चौधरी का नाम देखिए, जयमा खान का नाम देखिए, ललन सिंह का नाम देखिए, बलियावी जी का नाम देखिए, ये सारे लोग वही हैं जो नीतीश कुमार के भाजपा से अलग हटने पर बैकअप प्लान है। खेला बहुत तगड़ा होने वाला है, इन सब पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।